हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अन्नपूर्णा मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मुंबई की स्पेशल स्ट्रीट फूड पाव भाजी की रेसिपी लेकर आई हूं। बच्चों को अक्सर ये पाव भाजी काफ़ी पसंद आती है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हमने ये पाव भाजियाँ तीन लोगों के लिए बनाई हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक गाजर ली है, तीन हमने यहाँ छोटे आलू लिए हैं, धोकर छील कर कट कर लिया, आधे हमने यहाँ बीटरूट ली है और एक हमने यहाँ गोभी का फूल लिया। बीटरूट से पाव भाजी में कलर अच्छा आता है। पाव भाजी को हम कुकर में बनाएंगे। गैस पर हमने कुकर रख दिया है। कुकर में हमने यहाँ डाल दिया 2 चम्मच ऑयल। उसके बाद हमने यहाँ डाला है बटर। पाव भाजी को बटर में ही बनाया जाता है। तेल हमने यहाँ इसलिए डाला है ताकि बटर हमारा ना जले। बटर जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा जब हमारा चटकने लगेगा तो हम उसमें सब्जियां डाल देंगे। हमने इसमें गोभी भी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। आधा चम्मच हमने इसमें यहाँ डाला है पाव भाजी मसाला। मसाले को हम यहाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें यहाँ डालेंगे 1.5 गिलास पानी। हम इतना पानी डालना है कि हमारा पानी सब्जी के ऊपर आए और सब्जी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। और आधा कटोरी हमने यहाँ मटर लिए हैं, ये ताज़े हरे मटर हैं हमारे। इसके बाद हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। और इसमें हम यहाँ 3 से 4 सीटी आने देंगे। ये देखिए, अब हम कुकर के ढक्कन को खोल लेंगे। ये देखिए, सब्जी हमारी यहाँ अच्छी तरह से पक चुकी हैं। ये देखिए, मैं आपको चम्मच से दबाकर दिखाती हूँ। देखिए, सब्जी हमारी यहाँ अच्छी तरह से यहाँ हमारी पक चुकी हैं। गैस पर एक पैन रखेंगे। पैन में हम 2 चम्मच घी ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बटर। बटर को गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने यहाँ 2 प्याज लिए हैं। प्याज को हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज हमारा हल्का सा भुनने लगा है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज हमारा हल्का सा गुलाबी होने लगा, बस इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को भी हमने यहाँ बारीक चॉप कर लिया था और इसको डालकर हम यहाँ भून लेंगे ताकि शिमला मिर्च का जो कच्चा फन है वो निकल जाए। उसके बाद हमने यहाँ लिए थे 3 टमाटर। 3 टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। इन सभी को हम अच्छी तरह से यहाँ भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ डाला है पाव भाजी मसाला। या कुछ डाली हमने यहाँ कसूरी मेथी। पाव भाजी में कसूरी मेथी डालने से उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इसको चला लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारे यहाँ अच्छी तरह से पक चुका है और ये मसाला हमारा पैन छोड़ने लगा है। अब हमने जो सब्जी उबाल कर रखी थी हम उसको डाल देंगे। और एक मैशर से हम इसको मैश कर लेंगे। पैन में सब्जी डालने के बाद पैन हमारा ये छोटा रह गया है। अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से हम इसको मैश नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए अब हम इसको एक चौड़ी तले की कढ़ाई में हम इसको डाल लेंगे। इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। बाज़ार में जो पाव भाजी मिलते हैं तो पाव भाजी के तवे पर अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। हमारे पैन में भाजी मैश नहीं हो रही थी इसलिए हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, और जो सब्जी का पानी बचा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और कढ़ाई में डालकर हम इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। अगर आपके पास ये मैसर है तो ठीक है, नहीं तो आप एक गिलास की सहायता से भी इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। ये देखिए मैश करने के बाद इस तरह से ये हो गई। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमारी पाव भाजी बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब हम पाव सेक लेंगे। गैस पर हमने एक पैन को रख दिया है। उसमें हमने डाल दिया पाव भाजी मसाला, बटर और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, और पाव को सेक लेंगे। पाव को यहाँ अच्छी तरह से सेके तभी भाजी के साथ पाव खाना, पाव का टेस्ट आता है, पाव खाने में अच्छे भी लगते हैं। इस तरह से आप सभी पाव को सेक लीजिए और ऊपर से आप इसमें हरा धनिया काट कर डाल दीजिए। और इस तरह से हमारी ये बाज़ार से भी अच्छी पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इस तरह से पाव भाजी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। पाव भाजी के लिए नींबू और बटर दोनों होने चाहिए। बिना बटर और नींबू के ये अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए बटर और नींबू आप ज़रूर इसके साथ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।